हरे कृष्णा दोस्तों, कृष्ण संगनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप दर्शन कर रहे हैं हमारी माता रानी के। हम आपको एक बार हमारी खेतरी की भी दर्शन करा देते हैं दोस्तों। देखिए, ये माँ के साक्षात दर्शन है। आप प्रणाम कर लीजिए दोस्तों, और जो भी आपकी मनोकामना हो आप माँ से मांग सकते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, उधर चल रही है हमारी ज्वाला जी, उनकी भी आप दर्शन कर लीजिए एक बार। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस बार वैसे भी बहुत असमंजस हो गया है कि अष्टमी कब की है, नवमी कब की है, दशहरा कब का है, और क्या दशहरा और नवमी एक दिन है या अष्टमी नवमी एक दिन है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ यही चर्चा करने वाले हैं कि अष्टमी कब की है, नवमी कब की है, विजयदशमी कब की है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको आज हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार जो नवमी है वो लग रही है 23 अक्टूबर को सुबह के 6:57 से, और समाप्त हो रही है 24 अक्टूबर को शनिवार के दिन सुबह के 6:58 पर। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार जिस समय सूर्योदय होता है उस समय जो भी तिथि होती है वही मान्य होती है। तो जैसे कि 23 अक्टूबर के दिन सूर्योदय के समय सप्तमी तिथि बस खत्म होनी ही वाली होगी। जैसे कि जो सूर्योदय है वो हो रहा है 6:31 पर, और सप्तमी तिथि खत्म हो रही है 6:57 पर। तो क्योंकि सूर्योदय के बाद सप्तमी तिथि है, तो जो 23 अक्टूबर है उस दिन सप्तमी तिथि ही रहेगी। और कहा जाता है कि सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि अगर एक दिन हो तो हमें उस दिन सप्तमी तिथि ही माननी चाहिए, क्योंकि उस दिन माँ कालरात्रि का दिन होता है, और ये अच्छा नहीं होता कि अगर हम उस दिन अष्टमी मनाएं। तो इसीलिए हमें 23 अक्टूबर शुक्रवार के दिन हमें सप्तमी तिथि ही पूजनी है, और उस दिन हमें करना है माँ कालरात्रि का पूजन, जो कि सप्तम नवरात्रा है। तो अब हम बात कर लेते हैं 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 तक ही अष्टमी है, उसके बाद नवमी लग जाएगी। हिंदू पुराणों के अनुसार अगर अष्टमी और नवमी तिथि एक दिन होती है तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही फलदायक होता है। इस दिन हमें कन्या पूजन, हवन इत्यादि करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम मुहूर्त होता है। इसीलिए हमें अष्टमी का व्रत है जो करना है हमें शनिवार के दिन 24 अक्टूबर के दिन। और आपको अगर हवन इत्यादि करना है तो वो भी आप अष्टमी के दिन कर सकते हैं, मतलब 24 अक्टूबर के दिन कर सकते हैं दोपहर के समय, क्योंकि ये समय अष्टमी और नवमी के संधि काल का होगा। तो आप अष्टमी का जो व्रत है वो 24 अक्टूबर को करें, शनिवार के दिन। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नवमी और दशमी कब की है। दोस्तों, जो नवमी है वो 25 अक्टूबर रविवार के दिन सुबह 7:41 तक रहेगी, उसके बाद दशमी लग जाएगी। दोस्तों, तो अगर आपको कन्या पूजन नवमी के दिन करना है तो वो आप उस दिन कर सकते हैं। नवमी और दशमी की संधि काल में आप ये कन्या पूजन कर सकते हैं, या फिर आप अष्टमी को भी कन्या पूजन अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन भी अष्टमी और नवमी का जो है समागम है, तो उस दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। 25 अक्टूबर को भी विशेष मुहूर्त है कन्या पूजन करने के, तो आप उस दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं दोस्तों, रविवार के दिन। और जो दशहरा है वो भी 25 तारीख को ही मनाया जाएगा दोस्तों, रविवार के दिन। और आप अपने व्रत का जो पारण करेंगे वो करेंगे सोमवार के दिन सुबह जल्दी, आप प्रातः सूर्योदय के बाद आप पारण कर लेंगे अपने नवरात्रों के व्रत का। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो अष्टमी है वो होगी 24 अक्टूबर शनिवार के दिन, और जो नवमी और दशमी है वो होंगी 25 तारीख अक्टूबर को। तो और जो नवमी और दशमी है वो होंगी 25 अक्टूबर रविवार के दिन। दोस्तों, अब तक आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो ही गया होगा। अगर आपको लगता है कि हमारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको कन्फ्यूजन दूर हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, जय माता दी।